बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है और नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। अब न कोई मौका खोएगा
और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिसे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है।